आप भी सोच रहे होंगे कि शिद्दत की सर्दी में शर्ट उतारे ये शख्स आखिर इतने गुस्से में क्यों है। गुस्सा भी ऐसा कि नोट हवा में उड़ा रहा है। एक दफ्तर के बाहर खड़ा होकर लगातार अंदर बैठे लोगों को ललकार रहा है, पैसे उड़ा रहा है, भीख मांगने की बात कर रहा है। यही मारूंगा, यही मारूंगा, नौकरी क्या थी, आज से शिक्षक नहीं हूं मैं, यही मारूंगा, यहां मारूंगा, डंडा लेके मारूंगा, लेकिन यहां मारूंगा बहुत, इतना मारूंगा, नचा दूंगा तुम सबको, मैं एक पैसा नहीं दूंगा किसी को, क्या पैसे दूंगा मैं किसी को, क्या पैसे दूंगा किसी को, भीख मांग लोगे 50,000 दे दूंगा, 50,000 लौटा दूंगा। तस्वीरें तो आपने देखी, अब माजरा समझ लीजिए। दरअसल ये तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं और जबरदस्त ठंड में एक दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहा ये शख्स पेशे से सरकारी टीचर है, जिसका छुट्टी न मिलने से अधिकारियों पर गुस्सा फूट पड़ा है। इस टीचर का नाम है प्रवीण कुमार सागर। सागर की पत्नी भी सरकारी टीचर है। सागर की समस्या ये है कि इनका बेटा अस्पताल में भर्ती है। पति पत्नी दोनों टीचर हैं। बेटे की देखभाल के लिए छुट्टियों का आवेदन किया था। सागर का आरोप है कि उसे छुट्टियां मिलने का आश्वासन तो मिला, लेकिन बदले में 30,000 रुपए रिश्वत की मांग कर दी गई। मेरी वाइफ भी यहाँ जंजरी ब्लॉक में है, टीचर है। 15 तारीख से मैं अपनी बीवी को, मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज है, 15 तारीख से छुट्टी दिलाने के लिए उसके लिए प्रयासरत हूँ। 2 बार मेरी छुट्टी कैंसिल की गई, 28 तारीख को तीसरी बार छुट्टी दी गई, मतलब ऑनलाइन किया गया। उसके बाद मैं छुट्टी, मेरे को 30,000 रुपए की डिमांड की गई, तो मैं सर, मैं डिमांड की खंड शिक्षा अधिकारी महोदय। बस फिर क्या था, छुट्टी के एवज में रिश्वत की बात सुनकर सागर का खून खौल उठा और वो रिश्वत में मांगे गए 30,000 रुपए के बदले 40,000 रुपए लेकर शिक्षा विभाग के दफ्तर जा पहुंचा और गेट के सामने नोटों की बारिश कर दी। अरे 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 नहीं नहीं अरे पैसा ले लो यार, पैसा लो ना, आओ ना, ये पैसा बहुत बड़ा। अस्पताल में भर्ती अपने बेटे का हाल बताते हुए टीचर सागर का लहजा तल्ख हो गया, दिल का दर्द जुबां पर आ गया। कहने लगे कि जब बच्चा ही जिंदा नहीं रहेगा तो नौकरी का क्या फायदा, इस्तीफे की बात तक कह दी। मैंने बीएससी साहब से वो कहा, बीएससी साहब ने बोला आपको छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आया हूँ, इनसे बात की गई है, ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि छुट्टी, मुझसे बोलते हैं कि पैसा चाहिए, किस चीज मुझसे बोलते हैं, बीएससी साहब जन विजय बाबू है वो बोल रहा है कि पैसा चाहिए, कि बीएससी साहब पैसा मांगते हैं, तो बीएससी साहब मुझसे खुलकर मांगे ना पैसा, मैं बीएससी साहब को पैसा दूंगा, अगर आज मेरा नहीं होगा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ऐसी नौकरी करने का, मेरा बच्चा जीवित नहीं रहेगा तो मैं ऐसी नौकरी करके करूंगा क्या। सागर के मन में अधिकारियों के लिए इस कदर गुस्सा है कि उसने अधिकारी को दफ्तर से बाहर निकलने पर पीटने की धमकी तक दे डाली। ये भी कहा कि भीख मांगो तो 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन रिश्वत के लिए एक चवन्नी नहीं देने वाला। इस हाई वोल्टेज हंगामे पर जब शिक्षा विभाग के अधिकारी से पूछा गया तो जांच कमेटी के गठन के साथ साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह दी। सीसीएल के छुट्टी का मामला था, जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया तुरंत जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनके निर्देश के क्रम में मैं जांच कमेटी गठित किया और जांच कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तमाम हंगामे के बाद टीचर को समझा बुझाकर भेज दिया गया और अब शिक्षा विभाग के अधिकारी छुट्टियों के नाम पर रिश्वत वाली बात की तहकीकात कराने की बात कर रहे हैं।